पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया है? विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन सेवन में क्या दिया हुआ है, मतलब अपने को क्या करना है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का अर्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमको निकालना। कितने मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स में, ठीक है। तात्पर्य तो हमको पता है कि दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश यदि किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो मिलकर जब वो एक निकाय का निर्माण करते हैं तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो 5 मार्क्स में आने का अर्थ है कि ये टोटल 5 में अगर आता है तो इसका विद्युत द्विध्रुव का जो तात्पर्य मतलब उसका जो अर्थ का 1 नंबर हो जाएगा, बाकी के व्यंजक का 4 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना 4 में से 1 नंबर आपके चित्र का रहेगा और बाकी आपका व्यंजक का रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तैयार करना है हमको एक क्वेश्चन का आंसर। तो विद्युत द्विध्रुव पे क्या समझ में आ गया कि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम व्यंजक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों को अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ध्यान रखना प्रश्न के में विद्युत क्षेत्र दिया हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना हो, एक ही बात है, आपको व्यंजक तीव्रता तक ही निकालना है पूरा, है ना, कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। इसका चित्र देख लेते हैं। ये हम लोगों ने एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक माइनस क्यू आवेश रख दिया है, यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ये इसका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, ओ बिंदु, ठीक है। और इस मध्य बिंदु ओ से, ठीक है, ध्यान रखना इस मध्य बिंदु ओ से हमें आर दूरी पर, आर दूरी हम यहाँ तक मान लेते हैं, ये जो दूरी है ये आपकी पूरी आर दूरी है। अच्छे से स्केल से बनाना। आर दूरी पर कौन है? एक बिंदु है। कौन बिंदु है? पी बिंदु। हमें इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग इसको देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या माना है। हमने माना है एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव मान रहे हैं हम लोग, ए और ये बी, ओके। इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर दो आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a। ध्यान से देखना है ना, ये गलती होती है 2a। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये मूल बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, सॉरी, मध्य बिंदु से a की और मध्य बिंदु से b की अर्थात माइनस क्यू और प्लस क्यू की जो दूरी है वो बिल्कुल समान है। इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी a है, ओके, मींस ये जो a है वो a है, वो भी a है आपकी स्मॉल a, और o b जो है वो भी आपकी स्मॉल a दी हुई है। और हमको क्या करना है? हमको इस मध्य बिंदु o से ये r दूरी पर जो स्थित बिंदु p है यहाँ पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ध्यान रखना ये जो द्विध्रुव है ये कैसे माध्यम में रखा गया है? द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा गया है उसका जो आपका परावैद्युतांक है वो कितना है? k परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। चित्र में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए क्या समझ में आ रहा है। चित्र में हमको ये समझ में आ रहा है कि ये आपका a है, ये आपका b है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2a, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको इस b से p तक की दूरी को पता करना है तो b से p तक की दूरी आप सीधे पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन b से p तक की दूरी में अगर मैं o से p तक की दूरी में से o से b तक की दूरी को माइनस कर दूं तो मेरे पास o b से p तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? चित्र से क्या समझ में आ रहा है कि BP बराबर कितना हो जाएगा? BP बराबर हो जाएगा आपका R माइनस A, ठीक है। BP क्या है? BP आपका आवेश आवेश
प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी है, ओके पी की दूरी है। अब देखो नेक्स्ट, इसी प्रकार से एपी, एपी कितना होगा, देखिए एक पी कितना होगा, ए से ओ तक जाना पड़ेगा मुझे, फिर ओ से बी पी तक जाना पड़ेगा। इसका अर्थ है यहां से यहां तक की दूरी तय की हमने आ ए, और ओ से हम पी तक की दूरी तय कर रहे हैं आर। इसका मतलब ये हो जाएगा एपी बराबर ए प्लस आर, ओके एपी बराबर आर प्लस ए लिखा। ये क्या है, ये हमारा है आवेश माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी, ओके इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब हमको क्या पता है, अब हम लोगों को मालूम है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप वाइज करते रहना इसको, माइनस क्यू और प्लस क्यू। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो देखिए कितनी होगी, ये होगी आपकी E1 बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, कितनी होती है Q अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है माइनस Q के कारण, माइनस Q से जो दूरी है आपकी वो है यहां से यहां तक की, मीन्स AP, तो दूरी का वर्ग मतलब AP का वर्ग। देखिए आगे इसको मान रखते हैं, एपी का मान कितना है, एपी का मान है आपके पास आर प्लस ए। तो देखिए ई वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस ए का वर्ग। ठीक है, इसकी दिशा पता करते हैं, इसकी दिशा लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे साइड में हमेशा। तो देखिए इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा आपकी होगी, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी दिशा पी ए में, ओके इसकी दिशा किन से होगी, दिशा पी ए में, पी ए में मीन्स इधर होगी। तो इसकी दिशा को अपन ने लिख रहे हैं, इसको अपन अगर ई वन नाम दे रहे हैं तो ये हो गया ई वन, दिशा पी ए में, ओके। अब आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, बिंदु पी पर। तो वो आपकी होगी E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन दूरी, दूरी कितनी होगी, दूरी हमारी प्लस Q से P की दूरी होगी BP, तो आपको लिखना है BP का वर्ग। ठीक है, और BP का वर्ग मींस BP की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं साइड में, स्टार्टिंग में हम लोगों ने की थी, बीपी बराबर कितना लिखा था, बीपी बराबर हम लोगों ने लिखा था आर माइनस ए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस ए का वर्ग। ठीक है, ये चित्र से हमको क्या समझ में आ रहा है, चित्र से हमको ये समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई वन व ई टू, ठीक है ये जो ई वन और ई टू है ये एक ही रेखा में है, ओके एक ही रेखा में है। दूसरा, इन के जो दिशा है वो कौन सी है, वो दिशाएं कैसी है, इनकी दिशाएं विपरीत है। एक चीज और समझ में आ रही है कि ये जो E2 का परिमाण है, मीन्स E2 का है जो परिमाण, वो आपका E1 से अधिक है, ओके तो इसका हम उपयोग करेंगे किसके, क्या करने के लिए, इसका उपयोग करेंगे हम इस बिंदु P पर परिमाण
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो निकालने के लिए हम लोग करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि E2 का परिमाण E1 के परिमाण से अधिक है। ओके, E2 का परिमाण जो है वो आपके E1 के परिमाण से अधिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करने के लिए हमको E2 में से E1 परिमाण को क्या करना पड़ेगा, माइनस या फिर घटाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम E1 और E2 के जो मान है वो समीकरण नंबर एक व दो जो हमने निकाल लिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल गई है, उनके मान हम लोग रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान रख रहे हैं E2 का, तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका E2 का मान कितना है, E2 का मान आपके पास है 1/4πε0Q/r-a2। ठीक है, 4πε0Q/r-a2, और E1 का मान कितना था, E1 का मान था 4πε0Q/Q=r+a2। अब क्या किया जाए, Q/4πε0K को कॉमन ले लेते हैं, 1/r-a आएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a2 आपका हो जाएगा। अब क्या किया जाए, ये इसको ऐसे ही रखते हैं अभी, 4πε0K, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है, साथ साथ आप लोगों को भी करना है ना, r+a2। एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा आपका r+a2-r-a2। ओके, तो हम लोग अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, हमारे पास इक्वल टू निकाल रहे हैं Q/4πε0K हो गया है। इधर क्या था, इधर सबसे पहले था आपके पास r+a2, मीन्स क्या हो जाएगा, a+b2 का फॉर्मूला लगेगा, इधर लगेगा a-b2 का फॉर्मूला। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, इसका सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, r² + a² + 2ar, फिर माइनस है और फिर देखना अंदर हम लोग कर रहे हैं r² + a² - 2ar। ओके, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन आपके पास था नीचे r-a² r+a² तो वो हो जाएगा आपका r² - a² का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस माइनस का साइन का है, क्या करें, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन के कारण 4πε0K, ये हो जाएगा आपका r² + a² + 2ar - r² - a² फिर देखना माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, 2ar अपॉन में क्या था, अपॉन में है आपके पास r² - a² का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, r² + r² - a² + a² - कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा Q/4πε0K, ये हो जाएगा 2ar + 2ar, मिलके कितना हो जाएगा, 4ar / r² - a² का होल स्क्वायर। देखिए ये वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दी थी, तो अगर आप ये वाली स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, दोनों स्टेप नहीं भी लिखते हुए आप डायरेक्ट, आपको पता है a² + b² का होल स्क्वायर हो जाएगा, a+b² और a-b² सॉल्व करके जब आप करेंगे तो आपके पास 4ar बचेगा। अब देखिए हमको क्या पता है, हमको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर कितना होता है, p बराबर होता है आपका आवेश गुणित
दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेश कितना क्यू, और यहाँ पर हमारे द्विध्रुव में दूरी कितनी है बीच की, नहीं है 2a। तो देखिए ध्यान से ये कितना लिखा हुआ है, अभी इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 4π ε0 की देखिए ये हो जाएगा 2 × 2a × r, है ना, इसको डिटेल लिख रहे हैं, बाद में आप नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यू है ओके, और ये 2a है, तो ये क्यू और 2a का गुणा जब होगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे आपके p ओके। यहां से तो अगर q इंटू 2a को मैं कितना लिख दूं p, और ये कितना है 2πr ओके, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आपके हो जाएगा 1/4πε0 k 2πr/r²-a² का और इसका ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया है e ओके। अब यदि ठीक है, अब हम एक शर्त देखते हैं, यदि ये बिंदु P जो है ठीक है, ये जो आपका बिंदु P है, ये जो बिंदु P अगर विद्युत द्विध्रुव से बहुत अधिक दूर हो जाएगा ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना, कि यदि बिंदु P की दूरी विद्युत द्विध्रुव से बहुत अधिक हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, इस जो R का मान है, ये जो R है मीन्स जो मध्य बिंदु से जो P की बिंदु की दूरी है उसकी तुलना में जो आपका ये A है ठीक है, स्मॉल A की जो दूरी है, ये स्मॉल A दूरी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी, कम होना मतलब नगण्य हो जाएगी। अगर R की तुलना में A का मान नगण्य होगा तो R स्क्वायर की तुलना में भी A स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आपका नगण्य हो जाएगा ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा, हमारे फॉर्मूले जो हमने बनाया है इसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि यदि ठीक है, स्थिति देख रहे हैं कि यदि हमारा R है ठीक है, वो A से बहुत अधिक हो जाएगा ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान जो है ना, ए स्क्वायर का मान जो है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, तुलना में नगण्य हो जाएगा ओके। तो फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूले पे ये फर्क पड़ेगा कि आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, इसका मतलब ये बचेगा सिर्फ 2πr/r² 2 मीन्स आर स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स आपके पास बचेगा e इक्वल टू 1/4πε0 k, ऊपर आपके पास है 2πr/r² है ना, आर स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है 4, तो ये सॉल्व हो गया, कितनी बचेगी, एक पावर कम हो जाएगी, मीन्स 1/4πε0 k 2π/ कितना हो जाएगा, आर की घात 3 हो जाएगा ओके। कितना, 2π/r³। तो अब वायु अब हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में जो आपका परावैद्युतांक होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा e आपका हो जाएगा 1/4πε0 k था है ना, तो k की जगह कितना लिख दिया 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, इक्वल टू 1/4πε0 2π/r³। अब ठीक है, अब इसका जो मात्रा है वो भी लिख देते हैं साथ में, तो इक्वल टू 1/4πε0 2π/r³। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इक्वल टू F/q ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू F/q मीन्स न्यूटन प्रति कूलम, तो हमने इसका मात्रा लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलम ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे अक्षीय स्थिति में, हमने देख लिया है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जो अगला प्रश्न करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।